हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं झटपट बनने वाली और स्वादिष्ट मिक्स दाल। ब्रेड के साथ इसका स्वाद बढ़िया लगता है। सबसे पहले हम लेंगे आधी कटोरी मूंग की दाल और आधी कटोरी मसूर की दाल। हम 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हो तो दाल की मात्रा कम कर लें। फिर दाल को अच्छे से साफ कर लेंगे और 2 से 3 बार पानी से इसे धो लेंगे। फिर 1 गिलास पानी में 15 से 20 मिनट भिगो के रख देंगे। बाकी की तैयारी में हम लेंगे 1 मीडियम साइज टमाटर, 1 मीडियम साइज आलू, 2 मीडियम साइज प्याज, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा कड़ी पत्ता। दाल भी भीग रही है तब तक हम आलू को मध्यम आकार में काट लेंगे, टमाटर, प्याज और हरे धनिए को बारीक काट लेंगे। सारी तैयारी होने पे एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। डालेंगे 4 से 5 छोटे चम्मच तेल। तेल गरम होने पे डालेंगे थोड़े सरसों के दाने। दाने तड़कने पे डालेंगे थोड़ा जीरा, बारीक कटे हुए प्याज और थोड़ा कड़ी पत्ता। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। 1/4 चम्मच हींग भी डालेंगे, या आप प्याज डालने से पहले भी डाल सकते हो। 1 से 2 मिनट प्याज को भूनेंगे ऐसे हल्का सुनहरा होने तक। फिर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। प्याज के साथ अच्छे से मसाले को मिलाएंगे। फिर डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और हरा धनिया, अच्छे से मिलाकर। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। इसे मिलाकर ढक देंगे। गरम मसाला पाउडर नहीं है तो आप प्याज डालने से पहले खड़े गरम मसाले, 1 से 2 लौंग, काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल सकते हो। 1 मिनट बाद ढक्कन खोले, टमाटर नरम हो गए हैं। चम्मच की मदद से इन्हें बारीक कर लेंगे। फिर कटे हुए आलू डालेंगे और फिर डालेंगे दाल जो हमने भिगो कर रख दी थी। अच्छी तरीके से दाल को मिलाकर 1 से 2 मिनट भूनेंगे। फिर जितनी दाल ली थी उससे दुगना पानी डालेंगे, लगभग 2 से 2.5 ग्लास। अच्छी तरह मिलाकर स्वाद चख लेंगे। लगभग 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालें और कुकर की 1 सीटी कर लें और थोड़ा प्रेशर बनाकर गैस बंद कर दें। कुकर ठंडा हो रहा है तब तक ब्रेड सेक लेंगे। एक पैन गरम करके थोड़ा घी फैला देंगे। फिर ब्रेड की स्लाइस रख के कुछ सेकंड्स दोनों ओर से सेक लेंगे। इसी तरह बाकी की ब्रेड की स्लाइस सेक लेंगे। कुकर ठंडा हो गया है, बस इसमें थोड़ा घी डालेंगे और तैयार है स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली मिक्स दाल और ब्रेड का कॉम्बो। दाल का आनंद आप गेहूं की रोटी या चावल के साथ भी ले सकते हो, बढ़िया लगता है। तो ज़रूर बनाएं और हमें लाइक और कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू।